हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना मेडिकल टिप्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेटनोवेट एन स्किन क्रीम के बारे में कि ये बेटनोवेट एन स्किन क्रीम को किस लिए यूज किया जाता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कब और कैसे यूज करें, तो इसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको स्वास्थ्य से संबंधित या दवाइयों से संबंधित जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, बेटनोवेट एन स्किन क्रीम में देख सकते हैं कॉम्पोजिशन है बेटा मेथासोन वेलरेट एंड न्यूमाइसिन स्किन क्रीम, जो कि ये 25 ग्राम का MRP है ₹55.30, जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है और इसको ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी बनाती है। तो आइए जानते हैं इस स्किन क्रीम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इस स्किन क्रीम को ज़्यादा मात्रा में लड़के हो या लड़कियां हो यूज कर रहे हैं, वो भी चेहरे को गोरा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए और दाग धब्बे मिटाने के लिए। तो दोस्तों, क्या ये सच में चेहरे को गोरा बनाती है? तो दोस्तों हाँ, ये चेहरे को गोरा तो बनाती है, लेकिन चेहरे को गोरा बनाने वाली ये क्रीम नहीं है। ये क्रीम दाद खाद खुजली के लिए है, लेकिन कितने लोग क्या करते हैं कि अपने चेहरे पर लगाने लगते हैं चेहरे को गोरा बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये तो चेहरे को गोरा बना ही देगा। आपके चेहरे पर जो भी काले दाग धब्बे या एक्ने पिंपल होगा या डार्क सर्कल जो भी होगा, उसको ये हटा देगा, चेहरे को गोरा बना देगा। अगर आपके चेहरे पर जो परेशानी है काले दाग धब्बे एक्ने पिंपल या चेहरा गोरा बनाने के लिए यूज करते हैं, तो लंबे समय तक इसको यूज ना करें, क्योंकि आपका चेहरा खराब भी कर सकता है। तो दोस्तों, इसको उसी समय तक यूज करें जबकि आपके चेहरे पर परेशानी है। अगर परेशानी हट जाती हो तो इस क्रीम को लगाना बंद कर दें। और याद रखें कि इस स्किन क्रीम को सिर्फ रात में ही यूज करें। अगर दिन में यूज करते हैं तो आपका चेहरा बेकार कर देगा, रेडनेस आ जाएगी, खुजली होने लगेगी और इस क्रीम को लगाने से आप पछताने लगेंगे। तो दोस्तों, इस बेटनोवेट एन स्किन क्रीम को सिर्फ रात में ही यूज करें और इस क्रीम को दाद खाद खुजली में भी यूज कर सकते हैं, या इन्फेक्शन हो गया हो आपके स्किन पर तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट काम करता है। या आपके स्किन पर जैसा भी खाज खुजली हो तो उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी क्रीम को अपने चेहरे पर गोरे होने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। किसी डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद में ही क्रीम को यूज करें। नहीं तो दोस्तों, क्या होता है कि कितने लोग क्या करते हैं, दांत खाद खुजली वाले क्रीम को अपने चेहरे पर अप्लाई करने लगते हैं और बाद में वो पछताने लगते हैं कि मेरा चेहरा खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जल गया। तो दोस्तों, इसीलिए कहूँगा कि किसी भी क्रीम को अपने मन से यूज ना करें। और चलते चलते वीडियो के आखिरी में बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।